बेटा ये लो तुम्हारे 25 लाख रुपए। मुझे अब इन पैसों की जरूरत नहीं है बेटा, रख लो। माशाल्लाह, सौतेली बहनों में इतना सगापन, ससुराल में बहुत रंग ला रहा है। ओ, हसीना ने भी कच्ची गोलियां नहीं खेली, मुझे पहले से अंदेशा था ऐसा होगा, इसीलिए तो यहां लेकर आई। ऐसी चाल चलूंगी कि देखती रह जाओगी। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू सो मच मिस्टर खान। माशाल्लाह, सो प्रिटी मिस्टर खान। शाहरुखी बैठिए। शाहरुखी, आपका और आयान का साइन तो हो गया, तलाकनामे पर, लेकिन वो तलाक ऑफिशियल 3 महीने के बाद होगा, ये बात हम जानते हैं। और जब तक ये तलाक ऑफिशियल नहीं हो जाता, हम दोनों निकाह नहीं कर सकते। एक्चुअली तभी मैंने आपको एक घड़ी गिफ्ट की है, और मैंने इसमें एक अलर्ट भी सेट किया जो 90 डेज कंप्लीट होने के बाद आपको सुनाई देगा। और जब आपको वो अलर्ट सुनाई देगा, उसका मतलब ये है कि हमारा इंतजार खत्म हो गया और हम निकाह कर लेंगे। अम्मी, अब बब्बू की तबीयत कैसी है? चलो, शुक्र है अल्लाह का कि बब्बू ठीक है। यही सही वक्त है। बहुत रात हो गई है, अब मैं फोन रखती हूँ। अल्लाह हाफिज। खास मौकों पर खास लोगों को तोहफे भेजे जाते हैं। मैंने भी तुम्हें दिवाली का तोहफा भिजवाया है, कल मिल जाएगा, तब बड़ा धमाका होगा। तुम पूल में कैसे गिरी? मैं गिरी नहीं थी, मुझे किसी ने धक्का दिया है। दिखा, तुमने किसी को तो देखा होगा ना? नहीं बाजी, पर मैंने अम्मी को देखा था। ये जो कुछ भी हो रहा है, थोड़ा अजीब नहीं लगता तुम्हें? हाँ अम्मी, मेरा मतलब है निखत को धक्का किसने दिया होगा? अल्लाह झूठ ना बुलवाई, खुद ही गिर गई होगी। अम्मी, निखत ऐसा क्यों करेगी? देखो नजमा, तुम नहीं जानती, कुछ लोग अपने ऊपर ध्यान दिलाने के लिए ना किसी भी हद तक जा सकते हैं। हाँ, तुम ही सोचो, निखत वहां गिरी तो बचाया किसने? इमरान ने। और वो पुल साइड पे करने क्या गई थी? हाँ, जहाँ फरहान नहीं था, इमरान था।